9 फरवरी से नागपुर में पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। ये टेस्ट मुकाबला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का होगा, जो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है। आपको बता दें कि इस टेस्ट मुकाबले में भारत के कई खिलाड़ी बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं, जिसमें चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है। लेकिन सिर्फ ये टेस्ट मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों के लिए ही खास नहीं रहने वाला है, बल्कि ये टेस्ट मुकाबला तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों के लिए भी बेहद खास रहने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और नाथन लियॉन भी बड़े कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्टीव स्मिथ भारत के विरुद्ध हमेशा रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही सीरीज हो या फिर भारत में। स्टीव स्मिथ का बल्ला हर सीरीज में बोलता नजर आया है, इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में स्टीव स्मिथ ने कुल मिलाकर 8 शतक अपने नाम दर्ज किए हैं, लेकिन अगर एक और टेस्ट 100 भारत के विरुद्ध स्टीव स्मिथ लगा देते हैं तो नागपुर टेस्ट या फिर इस सीरीज में वो भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले सूची में पहले पायदान पर संयुक्त रूप से सचिन तेंदुलकर के साथ शुमार हो जाएंगे। सचिन तेंदुलकर के नाम कुल 9 शतक हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की 28 पारियों में स्टीव स्मिथ के नाम कुल 8 सेंचुरी है। वहीं नाथन लियॉन की बात करें तो गेंदबाज को अब मात्र 6 विकेट चाहिए भारत के विरुद्ध शतक लगाने के लिए। ये शतक रनों का नहीं बल्कि विकेटों का होने वाला है। बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में भारत के विरुद्ध सबसे ज़्यादा विकेट जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज हैं, ने 110 विकेट अपने नाम किए हैं। तीसरे पायदान पर इस सूची में संयुक्त रूप से नाथन लियॉन पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज कप्तान इमरान खान के साथ आते हैं, जिन्होंने 94 विकेट भारत के विरुद्ध टेस्ट में लिए हैं। इस सीरीज में 6 विकेट और नाथन लियॉन भी उन दिग्गजों की सूची में शामिल हो जाएंगे जिनके नाम कुल 100 विकेट हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।